नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, पांचवें राज्य आयोग की तृतीय और अंतिम किस्त जो है ग्राम पंचायत खाते में आ चुकी है। आप सभी अपने अपने ग्राम पंचायत खाते चेक कर लें, क्योंकि मार्च एंडिंग में जो किस्त आई वो पांचवें राज्य आयोग की तृतीय और अंतिम किस्त से कहते हैं वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो आप पूरा देख लें और पंचायतपन पोर्टल पर किस तरह से उसका उपयोग करना है वो भी आप मेरे वीडियो में जो मैंने बनाया है किस तरह से उपयोग करें वो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, पांचवें राज्य वित्त आयोग की जो है अंतिम किस्त और जिसको तृतीय किस्त भी कह सकते हैं हम, तो वो जो है जारी हो चुकी है। आप सभी के ग्राम पंचायत के जो खाते में है एक किस्त आई होगी अभी मार्च एंडिंग में, जो कि पांचवें राज्य वित्त आयोग की तृतीय और अंतिम किस्त है 2022-23 की। ठीक है, तो दोस्तों इसका पूरा जो है काम होगा हमारे पंचायत अर्पण पोर्टल पर prd.mp.gov.in पोर्टल पर। ठीक है, तो इसमें हमें उसका रिसिप्ट वाउचर बनाना और इसी से पेमेंट वाउचर बनाकर पेमेंट भी करना, जो भी कार्य योजना बनाना है हमें, जो भी कार्य हमें करना है सीधे इसमें कार्य योजना का मैंने आपको वीडियो ना बताया, सिंपल सा आपको जो है PDF कार्यवाही पंजी जो भी आपने बनाई है जितने कार्य लिए हैं उनकी, और वो अपलोड करना है जो पांचवें राज्य आयोग से हमको करना है, और वो कार्य रजिस्टर कर सीधे हमें जो है पेमेंट वाउचर बनाकर जो कार्य संपादित करना है। ठीक है, तो मैं उसके संबंध में आदेश दिखा देता हूँ जो कि आज ही के दिन निकला है, पंचायत राज संचालन मध्यप्रदेश आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 6 अप्रैल 2023 को ही निकला है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय यही है, त्रिस्तरीय पंचायतों को पांचवें राज्य वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत जारी किस्त की राशि, ये पूरी किस्त की राशि है टोटल के उपयोग के संबंध में। तो दोस्तों पांचवें राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तृतीय थर्ड एवं अंतिम किस्त, लास्ट किस्त है ना, तृतीय एवं अंतिम किस्त की राशि जिला जनपद एवं ग्राम पंचायतों को उनके एकल बैंक खाते में अंतरित की गई है। ठीक है, सूची भी भेज दी गई है। कृपया इस कार्यालय द्वारा पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रावधानिक राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक 10062 दिनांक 5/7/2022 अनुसार इस राशि का उपयोग पंचायत अर्पण पोर्टल के माध्यम से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। मैंने पूरा दोस्तों इस पर वीडियो बनाया है किस तरह से इसका उपयोग करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो कैसे हम उपयोग करना है वो भी आपको पूरा बताया है मैंने, तो आप और देख सकते हैं। अमरपाल सिंह जी संचालक सहायुक्त महोदय पंचायत राज संचालन मध्यप्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी सभी विभागों में दी जा चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हमें चूंकि राशि का ही पता होना चाहिए कि जो भी राशि आई है वो पांचवें राज्य वित्त आयोग की तृतीय एवं अंतिम किस्त है 2022-23 की। ठीक है, इसको सिंपल मैंने बताया किस तरह से आपको जो है लॉग इन कर जो रिसिप्ट वाउचर बनाना है, तो वो आप मेरे रिसिप्ट वाउचर वाले वीडियोस में देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।